हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स में वाह लिखिए जरा सभी। प्लीज टाइप वाह इन द चैट बॉक्स। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चल, सो द टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, अब आप देखो जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये जब हमने थेवनिन थ्योरम स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि चाहे थेवनिन थ्योरम हो या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो, दोनों का बेसिस एक ही है कि कोई भी सर्किट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उस सर्किट के अंदर दो ही एंटिटीज होती हैं, एक है सोर्स और दूसरा है लोड, है ना। लोड लोड है और उसको छोड़ के जो भी है वो सब सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ अ पावर सिस्टम। एक पावर सिस्टम के अंदर लोड को आप छोड़ दो, उसके अलावा सब कुछ, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटर्स टू ट्रांसफार्मर्स टू ट्रांसमिशन लाइंस, एवरीथिंग गोज इनटू द सोर्स। और इसी सोर्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था विद द हेल्प ऑफ थेवनिन थ्योरम, और उसको फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके भी गॉट इट कन्वर्टेड टू द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। तो इसी सोर्स के दो सिंप्लीफाइड फॉर्म होते हैं, एक होता है थेवनिन इक्विवेलेंट, एक होता है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। ठीक है, आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को थेवनिन थ्योरम का ही एक्सटेंशन मान सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ VTH RTH तो यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करने रहेंगे, VTH RTH या ZTH एज यू वॉन्ट टू कॉल इट फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है? इट इज लाइक थेवनिन थ्योरम प्लस वन मोर स्टेप, आप ऐसा मान सकते हो, है ना। तो अभी जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उसमें आपको लगभग सभी में RTH या ZTH निकालना ही है, और जहां जरूरत पड़े वहां पर VTH निकालना ही है। कुल मिला के वी हैव टू फाइंड आउट द थेवनिन थ्योरम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, थेवनिन थ्योरम के पैरामीटर्स VTH और ZTH हमें निकालने ही रहेंगे। अब इफ आई टेक द सिंपलेस्ट सर्किट टू स्टार्ट विथ, से आई टेक केस वन। वॉट इज केस वन? बोथ सोर्स इम्पीडेंस प्योरली रेजिस्टिव है, लोड इम्पीडेंस भी प्योरली रेजिस्टिव है। ठीक है, तो कोई एक सर्किट होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट, उसका आपने बना लिया थेवेनिन इक्विवेलेंट, है ना। सर्किट अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा, लेकिन उसको आपने सिंप्लीफाई करके उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लिया। नाउ यू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस RL। तो यहाँ पे सोर्स का इम्पीडेंस भी प्योरली रेजिस्टिव है और लोड भी प्योरली रेजिस्टिव है। ठीक है, अब देखना जरा, जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर दिस फेलो, दिस वन इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है,
है ना, ये हर क्षण चेंज होता है, कभी भी किसी ने भी एसी ऑन किया बंद कर दिया, कभी भी टीवी चालू कभी भी बंद, ठीक है, ये कभी भी शांत बैठता नहीं, जबकि जो आपका सोर्स है इट्स मोर ओवर फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब ये इतना तेजी से तो चेंज नहीं होता जितना तेजी से लोड चेंज होता है ना भाई। सोर्स का चेंज होना मतलब क्या, सोर्स का चेंज होना मतलब नई ट्रांसमिशन लाइन डल गई, नए ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो गए, नए 3 फेज कंज्यूमर ऐड हुए, इसको बोलते हैं सोर्स का मॉडिफाई होना, नई ट्रांसमिशन लाइन डली, नए ट्रांसफार्मर्स डले, है ना, इसको सोर्स का चेंज होना बोलते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है जितनी फ्रीक्वेंट लोड का चेंज होना है। लोड तो हर क्षण वैरी हो रहा है भैया, हर क्षण नई ट्रांसमिशन लाइन थोड़ी ना डल जा रही है, हर क्षण कोई नए ट्रांसफार्मर थोड़ी इंस्टॉल हो रहे हैं, हो रहे हैं, बट इट टेक्स टाइम। इंस्टॉलिंग अ न्यू ट्रांसमिशन लाइन एटलीस्ट टेक अ पीरियड ऑफ मंथ्स, एक्चुअली 200 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन वुड टेक एटलीस्ट 3 मंथ्स टू फाइनली स्टार्ट वर्किंग। सो लोड इज समथिंग विच कंटिन्यूअसली चेंजेस, सो लोड इज अ वेरिएबल, ऑल्दो इन द क्वेश्चन एनीथिंग कैन बी गिवन एज अ वेरिएबल। तो यहां पे लोड रेजिस्टेंस एक वेरिएबल है, ये वाला कन्वेंशन हम अब तक फॉलो करते आए हैं कि लोड टर्मिनल्स को हम ए बी बोलेंगे, ठीक है ना। आर एल की वैल्यू वैरी होगी तो सर्किट का करंट वैरी होगा, अगर सर्किट का करंट वैरी होगा तो पावर रिसीव्ड बाय द आर एल वैरी होगा, ये बड़ ऑब्वियस सी बात है ना। आर एल वैरी करेगा तो ये जितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है आई स्क्वायर आर एल या आई एल स्क्वायर आर एल, दिस इज से आई एल स्क्वायर आर एल, दिस पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड विल वैरी, राइट। सो द ओनली वेरिएबल इन द सर्किट इज वॉट, आर एल, बराबर। अब यहां एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, लोड नीड नॉट टू बी अ रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस ऑलवेज, लोड अपने आप में एक सर्किट हो सकता है, लोड अपने आप में क्या हो सकता है, एक सर्किट हो सकता है। मतलब आप तो ये मान लो आसान भाषा में, ए बी के लेफ्ट साइड पे जो भी है वो सोर्स है और ए बी के राइट साइड पे जो भी है, ए बी के राइट साइड पे मैं और सर्किट एक्सटेंड कर सकता हूं, एक वोल्टेज सोर्स, दो करंट सोर्स, 5 रेजिस्टेंस, तो वो पूरा लोड कहलाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, लोड अपने आप में एक सर्किट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है। लेकिन हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, इसलिए वी आर टेकिंग इट एज अ सिंपल रेजिस्टेंस और सिंपल इंपिडेंस, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज पावर रिसीव्ड बाय द लोड, तो पावर रिसीव बाय द लोड इज आई एल स्क्वायर आर एल, मतलब वी टी एच बाय दिस प्लस दिस होल स्क्वायर इनटू आर एल, दिस इज योर पी लोड। नाउ आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस, मुझे इसका मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा निकालना है तो आई विल डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग विच इज वेरिएबल, हियर द वेरिएबल इज आर एल, ऑलराइट। इन द न्यूमेरिकल वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी सम कैपेसिटेंस, इट कैन बी सम करंट सोर्स, इट कैन बी सम व्हाटएवर, बट हियर इन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस द वेरिएबल इज आर एल, एंड टू फाइंड आउट द मैक्सिमा व्हाट वी हैव टू डू इज टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ओनली। So differentiating it with respect to the variable, putting it equal to zero, when you simplify, अभी differentiate करने नहीं बैठना, when you simplify, you get this, और ये तो रटा ही हुआ है आपने बचपन से, सर सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है सर, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाता है, ये तो रट ही रखा है हमने, बहुत अच्छे से रट रखा है, ठीक है। तो आर एल की बहुत सी वैल्यू हो सकती हैं, उसमें से एक वैल्यू आर टी एच है, इसलिए हमने आर एल इक्वल टू आर टी एच लिखा,
आरटीएच इक्वल टू आरएल नहीं लिखेंगे, है ना, वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे कि भाई आरएल की बहुत सी वैल्यू हो सकती है, आइडियली जीरो से इन्फिनिटी, उन बहुत सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू आरटीएच है, जिस वैल्यूज को रख देने से लोड मैक्सिमम पावर रिसीव करता है ना, इसलिए एक्स इक्वल टू टू लिखते हैं, टू इक्वल टू एक्स थोड़ा अजीब लगता है लिखने में, तो इट्स लाइक वेरिएबल इक्वल टू समथिंग विच इज कॉन्स्टेंट, आर टी एच इज कॉन्स्टेंट, राइट। नाउ व्हेन यू बैक सब्स्टिट्यूट दिस इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन, बैक सब्स्टिट्यूट, आर एल इक्वल टू आर टी एच इन, say this was equation 1, in equation 1, so you get P load max is equal to this, and this is what we call as the maximum power received by the load. This is maximum power received by the load. All right. इसके ऊपर पहले क्लियर एंड नोटेड टाइप करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, क्लियर एंड नोटेड। हाँ, अब एक बात बताना आप मुझे, इतना पावर तो लोड को पहुंचा है ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, इतना पावर लोड को पहुंचा है, सर्किट में दो रेजिस्टेंसेस हैं, दोनों सीरीज में हैं, दोनों बराबर हैं, तो इतना पावर अगर पहुंचा है तो इतना ही पावर आरटीएच के अंदर भी कंज्यूम हो रहा होगा। मतलब मैं कहूं कि सोर्स पे से कितना पावर चला है, तो सोर्स पे से इस पावर का ठीक डबल पावर निकला होगा क्या, यस या नो? भाई दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर है ना, तो इतना लोड को पहुंचा तो इतना ही खुद के सोर्स के रेजिस्टेंस में भी कंज्यूम हो रहा होगा। मतलब पी सोर्स मैक्स हो जाना चाहिए इसका जस्ट डबल, मतलब वीटीएच स्क्वायर बाय टू आरटीएच, पावर सप्लाइड बाय सोर्स, ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ऑलराइट, पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, है ना। अब इट्स क्वाइट ऑब्वियस, पी सोर्स या पी लोड मैक्स
पी लोड मैक्स अपॉन पी सोर्स मैक्स इज क्वाइट ऑब्वियस, इज 1/2, इट्स 1/2 एंड इट्स देयरफॉर 50%. नाउ दैट इज द इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफर. This is efficiency of power transfer during MBT. And here comes the discrepancy. What is the discrepancy? Sir, एक तरफ तो आप बोल रहे हो मैक्सिमम 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 और दूसरी तरफ खाली 50%, बात जम नहीं रही कुछ. मतलब मैक्सिमा भी 50% पे है, ये तो मतलब ठीक नहीं है बात. और यहीं से फिर ये बात भी स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि सर ये मतलब प्रैक्टिकली होता है क्या, ऐसा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नाम की ऐसी चीज़ होती है क्या, ऐसे इम्पीडेंस मैचिंग करने बैठ रहे हैं क्या हम, स्पेशली इन द पावर सिस्टम्स ऐसा हम करते हैं क्या, मतलब इज इट रियली एप्लीकेबल, बिकॉज 50% एफिशिएंसी तो कहीं से कहीं तक अच्छी नज़र नहीं आ रही, फिर व्हाट इज द यूज. नाउ सी वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट. अभी कैसा है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आंसर देना, स्पेशली दोज हु आर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स और इन जनरल क्वेश्चन है ये, तो सभी लोग आप आंसर दे सकते हैं. 1 मेगावाट जनरेट करने का कितना रुपया लगता है, एनी आइडिया? 1 मेगावाट जनरेट करने का कितना रुपया लगता है? एनी गेस? हाउ मच डज इट टेक टू जनरेट 1 मेगावाट? लगाओ बोली लगाओ, आप तो क्या है, अपनी घर जैसी बात है, लगाओ कुछ बोली लगाओ, कुछ गैस ही करो. 1 मेगावाट जनरेट करने का कितना लगता है? अरे बोलो भाई. ओ मयूर ने काफी सस्ता कर दिया पावर, वाह. आकाश ने भी बहुत सस्ता कर दिया. जूही ने थोड़ा सा एक्चुअल फिगर को रीच कर रहे हो आप. जूही इज वेरी क्लोज टिल नाउ. एनी अदर? मयूर ने बोली लगाई है 8 रुपए, आकाश ने लगाई है 10,000 और जूही हैज 4 to 5 crores. वेरी गुड. एनी अदर बिफोर आई गिव द आंसर? इट टेक्स 7 to 7.5 crores टू जनरेट 1 मेगावाट. 7 to 7.5 crores and another 7 crores for transmitting that 1 megawatt. See, that's the cost of power that you and me are consuming. So if 7 crores it takes, अभी आप देखो जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगर 100 मेगावाट सेंडिंग एंड से चला और रिसीविंग एंड पे खाली 50 मेगावाट ही पहुंचा, 50 लॉस हो गया, तो ऐसे तो लुट जाएंगे हम. लुट जाएंगे कि नहीं लुट जाएंगे, यस या नो बोलो. जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाओ पहले, जो लोग लेटे हुए हैं वो बैठ जाएं जरा. है ना, ऐसे तो लुट जाएंगे भाई. सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस phenomenon which you also know as the impedance matching. This impedance matching phenomenon is only
रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. यू नो इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स द पावर इज कंजम्पशन इज फ्यू मिली वॉट्स अप टू फ्यू हंड्रेड वॉट्स, है ना. आप ब्रेड बोर्ड के ऊपर एक सर्किट बनाते हो तो क्या है वो 10 वोल्ट 12 मिली एम्पियर, 10 वोल्ट 5 मिली एम्पियर, 10 वोल्ट 5 मिली एम्पियर इज लाइक 50 मिली वॉट्स. ऑलराइट, और इट मे बी अ फ्यू हंड्रेड वॉट्स फॉर लार्जर कम्युनिकेशन सर्किट्स. ठीक है, तो 100 वॉट में से 50 वॉट का लॉस हो गया या 100 मिली वॉट में से 50 मिली वॉट का लॉस हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है. लेकिन 100 मेगावाट में से 50 मेगावाट का लॉस इज रियली अ लॉस, है कि नहीं. 100 मिली वॉट में से 50 मिली वॉट का लॉस इज नो लॉस, बट 100 मेगावाट में से 50 मेगावाट का लॉस इज लॉस, एक्चुअल लॉस नो. तो इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ओनली यू वुड सी सच अ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग. ठीक है, एनीवेज, एनी प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम दैट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, आपको वहां पर थेवनिन इक्विवेलेंट ही बनाना है. मतलब आप ऐसा मान के चलो कि हम थेवनिन थ्योरम रिवाइज कर रहे हैं प्लस उसके बाद एक और स्टेप हम कर रहे हैं, यही हम अभी करने वाले हैं. तो ये आपका केस वन था जहां पर दोनों इम्पीडेंसेस जो थे वो प्योरली रेजिस्टिव थे. ऑलराइट, मूविंग अहेड विथ द केस नंबर टू. अब मैं डायरेक्ट ही आपके सामने लिख दूंगा, डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, फाइनल रिजल्ट्स आर यूजफुल फॉर अस. सो केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या है, सोर्स इंपिडेंस इज कॉम्प्लेक्स. सोर्स का मतलब क्या, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, सब टोटल मार के, और लोड प्योरली रेजिस्टिव है. लोड प्योरली रेजिस्टिव है मतलब आप थेवनिन इक्विवेलेंट बनाना है तो अब मैं एसी सोर्स लूंगा क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स इंपेडेंसेस हैं. ये आपका थेवनिन इक्विवेलेंट है. ठीक है, लेट अस नोटिफाई देम. ये ZTH है आपका, ठीक है, और लोड अभी भी प्योर रेजिस्टेंस है. ठीक, दिस इज योर IL. नाउ आई कैन राइट IL, मैग्नीट्यूड से ही मतलब है यहाँ तो हमें, तो IL मैग्नीट्यूड इज VTH मैग्नीट्यूड अपॉन वॉट एवर इज द इम्पिडेंस सीन बाय द वोल्टेज सोर्स. सो इट विल बी दिस. पावर टू लोड इज स्टिल द सेम. सो पावर टू लोड इज VTH स्क्वायर RL अपॉन दिस. ठीक, नाउ आफ्टर दिस जब डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू जीरो रखेंगे और उसके बाद आप कर लेंगे सॉल्व. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस आपका RL आएगा अंडर द रूट RTH स्क्वायर प्लस XTH स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ ZTH. ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर MPT. ये है आपकी कंडीशन फॉर MPT इन दिस पर्टिकुलर केस. फॉर एग्जाम्पल,
इफ जेड टी एच इज 3 + j4 ohms देन आर एल शुड बी 5 ohms और MPT. इज दिस ओके? इसके ऊपर क्लियर टाइप कर दो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं. डिफरेंशिएशन हमें नहीं करना, डिफरेंशिएशन नहीं करना, आप तो सीधे रिजल्ट्स लिखो. नोट डाउन हो गया ये? नोटेड. तो फिर बढ़ूं आगे. सी आकाश, व्हेन वी से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड व्हेन यू से, देन यू से दैट पावर इज अ वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन सम पैरामीटर ऑफ द सर्किट. ठीक है, सेम एमपीटी का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. आकाश, आरएल अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर मैक्सिमम पावर की बात ही नहीं करेंगे हम तो फिर बोलेंगे भाई इतना पावर ट्रांसफर हो रहा है, खत्म. When you say maximum power means for some value of some variable in the circuit, the power will become maximum. So at least we have to set one variable. Here I have set RL as the variable. आप समझ रहे हो मेरी बात? RL अगर constant हो गया तो फिर तो क्या है? RL अगर constant हो गया तो RL को इतना power जाएगा, 100 watt जाएगा भैया, बस. अब 100 का 99 भी नहीं होगा और 100 का 101 भी नहीं होगा. 100 मतलब 100. ठीक है, मैक्सिमम मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमा मिनिमा, एंड मैक्सिमा मिनिमा हाउ कैन यू स्टडी मैक्सिमा मिनिमा विदाउट हैविंग द वेरिएबल इन द सिस्टम? कैन यू? आकाश, कैन मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट विदाउट हैविंग अ वेरिएबल इन द सिस्टम? यू टेल मी. नो, इट डजंट. सो समथिंग हैज टू बी अ वेरिएबल, नो, अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट? ऑलराइट, चलिए अब आगे क्या है? सब्स्टिट्यूट दिस. बैक इनटू द सर्किट. तो इसको सर्किट में वापस डाला. तो ये क्या है? RL इज इक्वल टू मॉड ऑफ ZTH है. ये तो अपनी जगह पे ही है. RTH, JXTH, दिस इज योर IL. आई विल कॉल दिस एज सर्किट ड्यूरिंग MPT. इस सर्किट से आप जो भी कैलकुलेट करेंगे वो क्वांटिटी होगी ड्यूरिंग MPT, है ना? तो I will call it IL MPT. So IL MPT, load current during maximum power transfer, is VS upon under the root RL plus mod ZTH squared plus XTH squared. Okay, and P load max. Here is IL MPT square RL. ठीक है, यहां पर P load max का कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है जैसा कि केस वन में था. यहां पे आपको पहले करंट निकालना पड़ेगा ड्यूरिंग MPT, ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, और वहां से फिर प्री लोड मैक्स हम निकालेंगे, विच इज नथिंग बट द मैक्सिमम पावर रिसीव्ड बाय द लोड. वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट. ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ हमें इनडायरेक्टली कैलकुलेशन करना पड़ेगा.
विल डू इट इन द नी मार्केट। ठीक है, क्लियर एंड नोटेड टाइप करें जरा इस पे। तो केस थ्री पे चलते हैं फिर। केस थ्री, केस थ्री क्या है? बोथ इंपिडेंसेस आर कॉम्प्लेक्स। दोनों ए प्लस जे बी फॉर्म के हैं। आई विल डायरेक्टली राइट द रिजल्ट्स। ये तो आपका सोर्स हो गया, मतलब सोर्स का थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया, एंड यू हैव अ लोड इम्पिडेंस विच इज नाउ कॉम्प्लेक्स। दिस इज ZTH. This is PTH. Now I'll directly write condition for MPT. Condition for MPT is ZL has to be ZTH or ZS conjugate. ZTH को आप ZS भी बोल सकते हो, S for source. ZS conjugate or ZTH conjugate. All right, just an example. If ZTH is D plus J4, then ZL should be 3 minus J4 for MPT. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ये गेट और आई एस में वन मार्क में ये कंडीशंस ही कई बार आई हैं, ये केस टू की और केस थ्री की। डायरेक्टली दे आस्क्ड इट इन वन मार्क द कंडीशन इटसेल्फ। ठीक है, तो दोनों अगर कॉम्प्लेक्स हो तो जेड एल शुड बी जेड टी एच कॉन्जुकेट। ठीक है, जो भी आपके सोर्स का इंपीडेंस है, ये हमेशा ए प्लस जे बी फॉर्म, मतलब इंडक्टिव ही रहेगा नेचर का, क्योंकि अगेन आपको पता है जनरेटर के अंदर, जनरेटर एक आरएल सर्किट है, रेजिस्टेंस और सिंक्रोनस रिएक्टेंस। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन इज हाईली इंडक्टिव सर्किट, ट्रांसमिशन लाइन का अपना इंडक्टेंस होता है 2 × 10⁻⁷ लॉग ऑफ जी एम डी बाई जी एम आर। पढ़ा है ना इलेक्ट्रिकल वालों ने, यस या नो बोलो। ट्रांसमिशन लाइन का अपना एक इंडक्टेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस तो बहुत कम होता है। कैपेसिटेंस जो होता है ट्रांसमिशन लाइन का, पाई एप्सिलॉन जीरो अपॉन लॉग ऑफ डी बाय आर फैराड पर मीटर, वो कैपेसिटेंस तो बहुत कम होता है। कैपेसिटेंस तो बाहर से लगाना पड़ता है आपको रिएक्टिव पावर कॉम्पनसेशन वोल्टेज कंट्रोल के लिए। कैपेसिटेंस बहुत कम होता है बाहर से लगाते हो। फिर है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर भी एक आरएल सर्किट है। ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट तो सबने बनाया है बचपन में, फर्स्ट ईयर में, है ना। तो जनरेटर एक आरएल सर्किट, ट्रांसफार्मर एक आरएल सर्किट, ट्रांसमिशन लाइन एक आरएल सर्किट,
तो टोटल मार के सोर्स क्या हो गया, आर एल टाइप का हो गया, इसलिए वो येलो कलर में जो हाईलाइटेड है वो क्या है, सबका टोटल मार के आर और एल है ना। और वहां पे आप अगर लॉसलेस मान लेते हो सिस्टम को, तो आर को नमस्ते कर देते हो आप और बोलते हो कि खाली द रिएक्टेंस एग्जिस्ट इन द सर्किट, ठीक है। एनीवेज, अब एक बात बताना मुझे, जब ये कंडीशन आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दोगे सर्किट के अंदर, जेड एल जेड टी एच का कॉन्जुकेट हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट दे विल जस्ट कैंसल ईच अदर एंड देन दिस विल बिकम सिमिलर टू केस वन इटसेल्फ, से यस और नो? क्या ये केस वन ही बन जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, विल इट बिकम केस वन इटसेल्फ? यस। इसीलिए यहां पर वही एक्सप्रेशन एज इट इज हम उपयोग में ले लेते हैं, एंड द मैक्सिमम पावर रिसीव्ड बाय द लोड हियर बिकम्स द सेम एज इट वॉज इन केस वन। सेम एज इन केस वन। तो यहां पे पी लोड मैक्स का डायरेक्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है और केस वन में है, केस टू में डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं होता, हमें सर्किट बनाना पड़ता है ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और फिर वहां से निकालना पड़ता है, ठीक है। केस टू में कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, वन और थ्री में सेम है एक्सप्रेशंस। इज दिस ओके? चलिए फटाफट आंसर देना चालू करेंगे। आंसर दो भाई, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा क्विकली करो, सीधा सीधा ही तो है। नेक्स्ट,
थ्योरम का क्वेश्चन है ये, वीएस बाई एस याद है ना आपको, वीएस बाई एस। लोड रेजिस्टेंस को हटाओ, वहां एक वीएस लगाओ, उसमें से आईएस निकालो। वाइल कैलकुलेटिंग वीएस बाई एस रेशियो यू नीड टू डीएक्टिवेट द इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, वीएस बाई एस का रेशियो निकालना है, थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन है ये सीधा सीधा, आरटीएच पूछा है आपसे। सैम एक बार चेक करो फिर से। डीएक्टिवेट द 50 वोल्ट सोर्स, जूही चेक कीजिए फिर से। सैम बस यही बचा है अब तो, ए भी बोल ही डालो। बी हो गया, सी हो गया, डी जूही ने बोल दिया, ए बच गया बस। कैलकुलेट प्रॉपरली, डीएक्टिवेट द इंडिपेंडेंट सोर्स, रिमूव आरएल, वीएस लगाओ, आईएस उसमें से निकालो, वीएस बाय आईएस का रेशो पूछ रहा है आपसे। यस सयाली, करेक्ट। वैष्णवी करेक्ट। रीड्रॉइंग द सर्किट,
अच्छा एक बात बताना सभी, 40 ओम और 20 ओम दोनों पैरेलल में है, 40 ओम और 20 ओम। अगर 40 ओम से I1 जा रहा है तो 20 ओम से 2 I1 लिख दूं क्या? यस या नो बोल दो जरा, क्या यहां पे 2 I1 लिख दूं, यस या नो? यस। ये पूरा एक नोड है, ये पूरा एक नोड है, इस नोड का पोटेंशियल Vs है ना, ये पूरा एक नोड है, इस नोड का पोटेंशियल Vs है, और यहीं पे आप KCL लगा डालो, बात खत्म हो गई। तो 0.5 I1 एंटर कर रहा है प्लस IS भी एंटर कर रहा है इस नोड पे, इज इक्वल टू I1 प्लस 2 I1 निकल रहा है, मतलब IS इज 2.5 I1। दैट्स योर इक्वेशन नंबर वन। वन मोर थिंग दैट यू कैन नोटिस फ्रॉम द सर्किट इटसेल्फ इज VS बाय 40 इज नथिंग बट योर I1, सो दैट VS इज 40 I1 डिवाइड 2 बाय 1, यू गेट 1 है। ठीक है सैम, फोर्टी बाय थ्री और 60 कहां से आ रहे थे? अच्छा इसी को अगर आगे बढ़ाऊं, VTH निकालना पड़ेगा आप। VTH निकालना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, हाँ ये स्क्रीन
2 मिनट के लिए गायब होगी। मैं स्क्रीन फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो नाउ आई नीड टू रिकनेक्ट द इंडिपेंडेंट सोर्स एज इट इज बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट VTH नाउ। तो ये आपका कितना था? ये 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। एंड वी आर लुकिंग इन टू दीज टर्मिनल्स। दिस इज 40 ओम आई सपोज। ये 40 ओम। VTH निकालना है, अब निकालो VTH। अगेन द सेम थिंग, ये पूरा नोड वोल्टेज VTH ही हो गया, ये VTH ही है आपका। तो क्या बनेगा? 0.5 I1 एंटर किया, ठीक है। 2 I1 हटाना पड़ेगा, अब 2 I1 एप्लीकेबल नहीं है। 0.5 I1 एंटर किया इज इक्वल टू I1 निकला प्लस VTH/20 भी निकला, तो पता नहीं है उसको निकलता हुआ मान लो, ठीक। एट द सेम टाइम यू कैन सी I1 इज VTH-50/40। Now you need to solve these two equations. पहले तो VTH बताओ, VTH कितना आया? VTH कितना आया? दस वोल्ट, 10 वोल्ट आया। तो P लोड मैक्स, ये केस वन में गया पूरा, ठीक है, व्हाट एवर इट कम्स आउट टू बी।
जिनका सी आ गया है वो वीटीएच भी निकालो। देखिए अच्छा एक बात बताइएगा, वैसे आपने कर ही लिया होगा, मैं क्या बोलता हूँ कि ये 4 ओम और ये 4 ओम सीरीज में है, दोनों एक ही वैल्यू के हैं, सीरीज में है, दोनों के थ्रू करंट सेम है, तो एक के अक्रॉस अगर Vx लिखा है तो दूसरे के अक्रॉस भी Vx लिख दूं क्या? यस या नो बोल दो पहले इस पे। एक के अक्रॉस Vx लिखा है तो दूसरे के अक्रॉस भी Vx लिखना बनता है, ठीक है? खैर अभी इसकी यहाँ जरूरत नहीं है इसलिए। पर एक बात तो तय है, ये वाला करंट Vx बाय 4 है, इसमें कोई शक नहीं है। दिस करंट इज Vx बाय 4, सो दैट दिस करंट गोइंग अपर, ये ऊपर जाने वाला करंट इज Is माइनस Vx बाय 4, है ना? एंड देन मैं यहाँ पे गोल घूम जाऊंगा बार बार, तो जब गोल घूम जाओगे तो आपको मिलेगा क्या? Vx वाली टर्म निपटी। फोर ओम्स, ठीक है। VTH पूछ रहा था मैं आपसे, VTH बताना जरा कितना है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर रिसीव्ड बाय द लोड, तो VTH बताना तो कितना होगा भैया? टेल मी VTH। हाँ जी बोलो। VTH दिस शुड बी VTH राइट? एनी आइडिया वॉट शुड बी VTH? अच्छा एक बात बताना, सभी टर्मिनल ए बी इज ओपन है ना, बिकॉज VTH इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अक्रॉस ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स। ए बी टर्मिनल्स आर ओपन, VX जो है
कौन सा? डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स से एनर्जी लेता है। इंडिपेंडेंट सोर्स से मतलब 100 वोल्ट के सोर्स से, 100 वोल्ट के सोर्स से ये डिपेंडेंट सोर्स जो है एनर्जी तब ले पाएगा जब कोई क्लोज पाथ होगा कि करंट 100 वोल्ट से चले और वीएक्स मतलब डिपेंडेंट सोर्स तक पहुंचे। क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी रास्ता है क्या कि 100 वोल्ट से करंट चले और डिपेंडेंट सोर्स तक पहुंच पाए? ऐसा कोई रास्ता दिख रहा है आपको करंट का? नहीं दिख रहा। मतलब अगर मैं कह दूं आपसे कि इन द गिवन कंडीशन विच आर इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज नो करंट एनीवेयर इन द सर्किट, एम आई राइट और रॉन्ग? देयर इज नो करंट एनीवेयर, तो फिर वीटीएच कितना होगा? तो फिर वीटीएच कितना होगा? 100। बात खत्म। 46 जीरो कहां से यार? 100। अरे 100 ना, सीधा 100 मिलेगा ना एबी पे।
यस आंसर। बोलो भाई। देखो ये दो पंड है, ये VTH है, तो आप मुझे बताना कैन आई राइट V नॉट इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 5 वोल्टेज डिवीजन सिंपली। Can I write it? Voltage division both the sides. तो 40/50 × 200 तो 160 वोल्ट। ठीक है, अब टू फाइंड RTH, जब आप RTH को फाइंड आउट करने जाओगे तो 5 वोल्ट को डीएक्टिवेट करोगे, जैसे ही 5 वोल्ट डीएक्टिवेट हुआ दिस विल ब्रिंग वी नॉट इक्वल टू 0। भाई 5 वोल्ट का सोर्स ही नहीं रहा तो कोई भी वी नॉट या कोई भी वोल्टेज करंट कहां से आएगा सर्किट में, तो वी नॉट 0 हो गया है ना। वी नॉट 0 हो गया मतलब डिपेंडेंट सोर्स शॉर्ट। डिपेंडेंट सोर्स शॉर्ट हो गया तो बचा क्या फिर? आप अगर देखो तो ये तो शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट, एंड यू आर लुकिंग इन टू द सर्किट फ्रॉम दिस साइड है ना। तो ये 10 है और ये 40 के है। ठीक है, अब इतना इतना हिस्सा तो क्योंकि वी आर लुकिंग इन टू द सर्किट फ्रॉम ए बी, तो ये जो येलो कलर में हाईलाइटेड है ये हिस्सा, ये तो हवा में है। दिस इज हवा में, हवा में मतलब इनसिग्निफिकेंट है ये, इनसिग्निफिकेंट है। तो RTH क्या हो गया आपका? RTH इज 14 पैरेलल विथ 10 मतलब 8 किलो ओम। तो पी लोड मैक्स क्या बनेगा? 160 का स्क्वायर अपॉन 4 8000।
ठीक है देवना, आ गया पॉइंट एट। चल बड़े आगे।
केस टू में जाएगा ये, है ना? विल इट गो इन टू केस टू? हाँ भाई, VTH ZTH निकालना है आप। देखो ये तो ओपन है, ना? यहाँ VTH है आपका, पहले VTH निकाल रहे हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज से दिस करंट इज आई। व्हाट इज आई? एक सौ दस माइनस 90, दे आर इन फेज, दे कैन डायरेक्टली बी सब्ट्रैक्टेड अपॉन टोटल इज दिस, ठीक है? सो इट्स लाइक वन एंगल माइनस 53.13, दिस मच ऑफ एम्पियर्स। नाउ VTH इज व्हाट? 110 वोल्ट माइनस बीच का ड्रॉप, बीच का ड्रॉप इज वन एंगल माइनस 53.13 एंड 6 प्लस J8। दिस इज 10 एंगल 53.13, तो सीधा सीधा दिख रहा है, दिस बिकम्स 100 एंगल 0 डिग्री वोल्ट्स, ठीक है? ZTH तो बहुत ऑब्वियस सा है, सिक्स जे एट सिक्स जे एट पैरेलल में होगा दो, 6 प्लस J8 6 प्लस J8 पैरेलल में, इट बिकम्स व्हाट? है ना, 6 प्लस J8 और 6 प्लस J8 पैरेलल में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस J4 हो जाएगा, दैट बिकम्स योर ZTH, ठीक? तो बस अब क्या बचा? व्हाट शुड बी RL? RL शुड बी मॉड ऑफ ZTH, तो मॉड ऑफ 3 प्लस J4 बिकम्स व्हाट? 5 ohms। सर्किट ड्यूरिंग MPT, दिस इज मॉड Z इक्वल टू 5 ohms, दिस इज योर IL ड्यूरिंग MPT। ये आपको पता है सर्किट ड्यूरिंग MPT है ये। तो IL ड्यूरिंग MPT विल बी
पांच और तीन आठ, प्लस चार का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है ये करंट बताना पहले मुझे। करंट कितना आया? जी सभी बताएं, सभी लोग बताइए हाउ मच इज द करंट। प्योर रेजिस्टेंस नहीं होता, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस होता। देन फॉर एमपीटी ये होता कितना आता ही है? केस थ्री में चला जाता, फिर कितना आ रहा है ये सॉल्व होके?
अरे जली क्या, दिमाग की बत्ती। एक बार टाइप कर दो जरा जली। सबको करना पड़ेगा, नहीं तो आगे ही नहीं बढ़ूंगा। जली के नहीं जली। जिन जिन लोगों ने आंसर सिक्स दिया है, जिन जिन लोगों ने आंसर सिक्स दिया है, उन्होंने ये मान लिया है कि ये केस नंबर वन है। जबकि अगर थोड़ा सा गौर फरमाया जाए, चीज़ों को अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, तो आपको ये पता चलेगा कि ये केस नंबर वन भी नहीं है, टू भी नहीं है, थ्री भी नहीं है, ये केस नंबर फोर है। ये यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर क्या वेरिएबल है? सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल है। यस या नो बोलो इस पे पहले। क्या यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल है? बिल्कुल ठीक बात है ना। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो चार ऑप्शंस आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, क्यों ना हम इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके उस आर की जगह रख रख दें और निकाल लें पावर ट्रांसफर टू लोड, सामने आ जाएगा सच क्या है। ठीक है, पहले तो इस पे हेडिंग डाल लेना ऊपर, केस नंबर फोर है ये। ठीक है, एक एक ऑप्शन लेते हैं। आर को मैं 6 ओम लेता हूं तो क्या बनेगा? 60 वोल्ट। तीनों तीनों ये करंट है 10 एम्पियर। लोड को गया इतना इतना गया। सेकंड केस क्या लें? आर को 3 लें, तीनों। और 6 × 3/6 + 3 इज लाइक 2। तो ये कितना हो गया? 5, 12 × 5 = 60, 12 कितना बना? 12 का स्क्वायर × 3, 12 का स्क्वायर इज लाइक 144। तो 14 × 3 = 42 और 12 और कितना? 432। देखना तो, चेक करना तो, इज इट 432? हाँ चलो। तीसरा क्या है? 12 ओम।
तो 12 × 6 अपॉन 12 + 6 72/18 इज लाइक 4, 18 × 4 = 72, 3 ohms ये करंट है आपका कितना 60/7 एम्पियर। अभी ये फ्रैक्शन में जाएगा तो ये आप मुझे बताओ 60/7 का स्क्वायर × 3 कितना होता है बाबा ये? ये लो दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने, ठीक है? पिक्चर हो गई पूरी क्लियर? क्लियर एंड नोटेड? अरे देखो सीधी सी बात है यार, आप एक बात बताना मुझे, सोर्स से लोड पे पावर जाना है, मतलब 60 वोल्ट से 3 ओम पे पावर जाना है। अगर 60 वोल्ट से 3 ओम पे पावर जाना है तो वो मैक्सिमम तब होगा जब बीच में कोई होगा नहीं पावर खाने वाला, यस या नो? अरे बीच में कोई पावर खाने वाला नहीं होगा तो पूरा चला जाओ, बीच में कोई खाने वाला होगा तो फिर कम पहुंचेगा क्योंकि बीच वाला खा रहा है। अरे यसियानो बोलो, सीधी तो बात है यार। Assuming both the voltage sources are in phase, find out R for which maximum power is transferred from circuit A to circuit B. पहला ऑप्शन 0.8 है, बाकी तो विजिबल है आप, 1.4 ohms, 2 ohms, 2.8 ohms.
अब यहां पर सर्किट ए सोर्स है और सर्किट बी लोड है। मैंने आपसे कहा था लोड कैन बी अ सर्किट इन इटसेल्फ, सो द सर्किट बी एंटायरली इज अ इज लोड हियर। यस आंसर। अच्छा देखो एक बात मुझे बताना, ये VTH है और ये RTH है, ये आपका RL है ना। अब आप एक बात बताना मुझे, ड्यूरिंग MPT, ड्यूरिंग MPT RL लगा हुआ है, कनेक्टेड है सर्किट, आप मुझे बताना ड्यूरिंग MPT क्या मैं यहां VTH बाई टू लिख दूं क्या, यस या नो बोलो। ऑलराइट, ड्यूरिंग MPT इट्स क्वाइट नेचुरल दैट द हाफ ऑफ द सोर्स वोल्टेज शेल अपियर अक्रॉस द लोड, सो इफ दैट इज VTH, VTH बाय टू मस्ट रीच हियर। ऑलराइट, नाउ इफ आई गेट बैक टू माय सर्किट, आप मुझे बताना सर्किट ए जो है वो अपने आप में थेवेनिन इक्विवेलेंट ही है, उसने बना के दिया है, दोनों वोल्टेज सोर्सेस सेम फेज में है तो इट्स नेवर एन इशू। कैन आई राइट 5 वोल्ट हियर, से राइट और रॉन्ग, कैन आई राइट 5 वोल्ट हियर, हाफ ऑफ द सोर्स वोल्टेज अपियर्स अक्रॉस द लोड। आप देखो तो यही ए बी टर्मिनल्स यही है आपके भाई, 10 वोल्ट का आधा 5 वोल्ट लोड के टर्मिनल्स पे आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब आप देखो तो करंट तो एक ही है, यहां भी करंट आई है और वही करंट आई इधर भी है, ये आप देखें तो पूरा करंट आई आई है, दिस इज आई 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 एवरीवेयर, बराबर। तो ये वाला वोल्टेज कितना है आपका, ये 10 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है,
तो अगर आई को देखो, आई को दो तरफ से लिख सकते हैं आप। लेफ्ट साइड से लिखोगे तो 10 माइनस 5 बटे 2, और जब राइट साइड से लिखोगे तो 5 माइनस 3 डिवाइड बाय r। अरे जली क्या, दिमाग की बत्ती जली क्या, अब 3 बार टाइप करना पड़ेगा जली जली जली, 3 बार टाइप करना पड़ेगा जली जली जली। सबको करना पड़ेगा, सबको करना होगा। सी जस्ट अ स्मॉल इंफॉर्मेशन दैट हाफ ऑफ द सोर्स वोल्टेज मस्ट अपियर अक्रॉस द लोड, दैट स्मॉल इंफॉर्मेशन हैज सॉल्व अ प्रॉब्लम विच अदरवाइज लुक्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। 2 वोल्टेज सोर्स लगा दिए, फेज में है, वो कैपेसिटर अलग से लगा दिया, वो कैपेसिटर में और दिमाग लगाता है आदमी बैठ के। ओ माय गॉड, कैपेसिटर इज आल्सो देयर, सो व्हाट, दैट पैरेलल कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टिंग योर वोल्टेज नो। हाँ, एनी शंट एलिमेंट यू कनेक्ट, इट माइट अफेक्ट द करंट ऑफ द सर्किट बट इट डजंट अफेक्ट द वोल्टेज, राइट। एक इंडक्टर और लगा दो पैरेलल में, क्या फर्क पड़ जाना उससे, कुछ फर्क नहीं पड़ना। आफ्टर ऑल हाफ ऑफ द सोर्स वोल्टेज को लोड के अक्रॉस अपियर करवाना, शंट एलिमेंट विल नॉट अफेक्ट द वोल्टेजेस, राइट, है कि नहीं। तो वो कैपेसिटर कैपेसिटर खाली माहौल बनाने के लिए है, उसका कोई मतलब है नहीं। गेट की एग्जाम 2002 तक सब्जेक्टिव होती थी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पेपर होते थे, और 2003 से पूरी ऑब्जेक्टिव हुई। अच्छा, गेट के फॉर्म आ गए हैं, भर दिए क्या आपने? गेट के फॉर्म भराने स्टार्ट हो गए, भरे हैं आपने थर्ड ईयर वालों ने? भरो भाई भरो, पहली फुर्सत में भरो, उसमें लेट नहीं करना कभी भी, अर्लियर द बेटर, ठीक है। बाद में फिर वो वेबसाइट ओवरलोड होने लगती है, हैंग होने लगती है, फिर वो, फिर आपकी चॉइस भी आपको चाहिए ना। पहली चॉइस आप मुंबई भरोगे तो हो सकता है पहली चॉइस की बजाय दूसरी चॉइस दे दे आपको, तो फॉर्म भरने में देरी नहीं करनी। इफ यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम, सबसे पहले फॉर्म भरेंगे। पावर का फंक्शन बनाना है और उस पावर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल विच इज आरएल।
it's like this. This is your Thevenin equivalent. इसको लिख लेना केस नंबर फाइव. ये क्या है? केस नंबर फाइव है. दिस इज योर वेरिएबल. ठीक है, ये लोड है आपका, ये लोड है, ये लोड है. ठीक, सो व्हाट्स द लोड करंट? IL is, let me write it here, IL is VS upon this. What is power to the load? IL square RL. This is your P load. Now differentiate P load with respect to RL and put it equal to zero. इसको solve कीजिए. Solve it for RL. देखिए, आप सिंप्लीफाई करेंगे जब डिफरेंशिएट करके, तो लेट मी राइट द फाइनल आंसर. आर एल विल बी ये आ जाएगा. सिंप्लीफाई आप कर लेना. कर लेंगे सॉल्व. शायद कर भी लिया हो आपने. यस या नो बोल दो, है ना? अच्छा देखो, सॉल्व करने पे ये तो आ ही जाएगा आपका. एक चीज मुझे बताना, आपको नहीं लगता ये कांस्टेंट है? अगर तो ये कांस्टेंट इसके साथ मर्ज हो जाएगा जाके, और तो कांस्टेंट इसके साथ मर्ज हो गया तो केस टू ही बन गया ये. यस या नो बोल दो. एक्सेल एक्सेस के साथ मर्ज हो गया तो केस टू ही नहीं बन गया क्या ये? यस और नो? है ना, एक्सेल को एक्सेस के साथ मर्ज कर दिया तो वो केस टू ही बन गया. बराबर. चलो, तो क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम योर साइड. हाउ वाज द सेशन टुडे? कैसा था भाई आज का सेशन? कैसा था सेशन? लास्ट कमेंट्स आपके. आइडिया लगा आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का?
अब तक तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को वही समझते थे सर, सोर्स इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा सर, बस अब तक यही समझते थे। आज बहुत कुछ देखने को मिला मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में, है क्या नहीं? चलो तो खत्म करते हैं आज का सेशन, कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच।